हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ प्रियल आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम एकेडमी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आपको प्रोबेबिलिटी का न्यू सेट इस सेट में मैंने आपको कुछ और नई नई ट्रिक्स सिखाई हुई हैं ऑलरेडी मेरे थ्री सेट हो गए हैं प्रोबेबिलिटी पे और उनमें मैंने आपको बहुत शॉर्टकट सिखाए हैं डाइस के कॉइन के ओके अब हम कंटिन्यू करेंगे और हम सीखेंगे कार्ड्स के कुछ और क्वेश्चन ओके अब कार्ड्स के क्वेश्चन के बाद हम बॉल्स के भी क्वेश्चन सीखेंगे और उसके बाद हम मिसलिनियस क्वेश्चन सीखेंगे तो अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो पहले तो आप लाइक बटन को हिट करें दान उसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये आपको सिंपली करना है एमएम अकेडमी आपको डाउनलोड अब डाउनलोड कहां से करेंगे प्ले स्टोर से कर सकते हैं या फिर आप सिंपली टाइप करें दी एमएम अकेडमी वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay? तो देखिए आपको इसका प्रॉफिट बताती हूँ कि आप अगर हमारा एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा ओके okay? देखिए हम आपको स्टेट पी एस सी यू पी एस सी बैंक एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अब यहाँ पर आपका एडवांटेज एक और क्या है कि आपको यहाँ मिल रहे हैं टू फ्री वीडियो लेक्चर्स जिसको आप बोलते हो लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट पे टू फ्री वीडियो लेक्चर्स या फिर लेक्चर्स अवेलेबल है जिनको क्या कर सकते हैं आप जज कर सकते हैं ओके okay? आप जज करें हमारा क्वालिटी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज जल्दी से परचेज करें क्योंकि अभी जो हमारे प्राइजेस हैं वो काफी लो हैं अभी हमारे बढ़ने वाले हैं क्योंकि अभी हम अनपेड कोर्सेज रख रहे हैं यूट्यूब में बहुत जल्दी ये कोर्सेज पेड हो जाएंगे और हमारे एमएम अकेडमी ऐप का प्राइस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो आपके बेनिफिट के लिए मैं बोल रही हूँ ये प्रोसेस आप करिए देन उसके बाद एंजॉय करिए स्टडीज ओके अब हम डायरेक्टली जम्प करते हैं हमारे टॉपिक पे जो है प्रॉबेबिलिटी देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके कार्ड के बेसिक क्वेश्चन है बेसिक से मैं हाई लेवल के क्वेश्चन आपको कवर अप कराने वाली हूँ ओके okay? तो देखिए यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स थ्री कार्ड्स आर चूज इन एट रैंडम वॉट इज द प्रॉबलिटी दैट ऑल आर फेस कार्ड अब देखिए इसको सबसे पहले खुद से ट्राई करिए पॉज करके वीडियो पैन पेपर लेके रखिए आप अगर ऐसे भी कर सकते हैं तो डायरेक्टली कर लीजिए ओके okay? लेकिन देखिए जब भी आप कौन करते हैं ना तो पैन पेपर रखिए अपने साथ ये मत सोचिए कि डायरेक्टली आप सुनते जाएंगे प्रॉपर इनके आप नोट्स बनाइए क्योंकि देखिए नोट्स आपको क्या करेंगे एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में काफी हेल्प करेंगे अगर आप ऐसी रेंडमली वीडियोस देख लेते हैं ना तो आपका खुद का कुछ नोट्स नहीं बनते हैं आपको खुद के अपने नोट्स बनाने हैं जिससे आपकी हेल्प क्या होगी कि एग्जाम टाइम पे आप जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे ओके तो देखिए सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए अब मैं आपको बताती हूँ सोल्यूशन देखिए सिंपली बोला जा रहा है आपके टोटल कार्ड कितने रहते हैं एक पूरे पैक में फिफ्टी कार्ड्स रहते हैं ताश में सिंपली आपके 52 कार्ड्स रहते हैं अब उनमें से क्या किया

ओके okay, अब ये फेस कार्ड कितने अवेलेबल होते हैं पूरे 52 के पैक में देखिए आपके टोटल के कितने रहते, रहते हैं चार जे कितने चार, चार प्लस चार प्लस चार टोटल बारह कार्ड कार्ड ओके okay, अब उन बारह कार्ड से आपको तीन कार्ड को चूज करना है तो जब भी आपको ये वर्ड दिखता है ना चूज तो चूज मतलब सिंपली क्या करेंगे आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे अब कॉम्बिनेशन मतलब 12C3 मतलब 12 में से तीन को चुनना है आपने सिंपली स्कूल टाइम में पढ़ा होगा ncr इसकी वैल्यू क्या होती है सिंपली एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल

एक्चुअल में तो आपके 52 कार्ड्स थे ओके उन 52 कार्ड्स में से आपको क्या मिलते तीन कार्ड मिलते तो देखो सिंपली आपकी प्रोबेबिलिटी कैसी बनी 12c3 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 52c3 ओके अब इसको आप करिए सॉल्व अब सॉल्व भी कैसे करते हैं देखिए आपको मैं रब कर देती हूँ, आपका क्या आया 12c3 डिवाइड बाई फिफ्टी टू सी थ्री अब देखो जब भी आपको ये आर कॉमन मिलता है आर क्या होता है एन सी आर जब भी ये आर ऊपर और नीचे क्या मिलता है कॉमन मिल जाता है तो सिंपली क्या करो इसकी वैल्यू को अवॉइड करो अब वैल्यू को अवॉइड कैसे करते हैं ये भी समझिए देखिए सिंपली इसको कैसे लिख सकते हो आप अगर इसको सॉल्व करो तो ये ऐसा आएगा 12 का फैक्टोरियल 12 माइनस थ्री कितना हो गया सिंपली आपका 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल और नीचे क्या मिला आपको 52 का फैक्टोरियल और 52 टू माइनस थ्री फोर्टी नाइन का फैक्टोरियल इंटू थ्री का फैक्टोरियल तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हुआ अब देखो एक और चीज कैंसिल आउट हुई देखो ट्वेल्व को क्या लिख सकते हो ट्वेल्व फैक्टोरियल को ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन और फिर नाइन का फैक्टोरियल तो ये नाइन से ये वाला नाइन कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर क्या लिख सकते हो फिफ्टी टू से फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी इंटू फोर्टी नाइन का फैक्टोरियल तो देखो फी नाइन आउट हुआ तो आपने यहाँ समझा क्या देखो यहाँ पे अगर ट्वेल्व लिखा हुआ है तो आप सिंपली कितनी लोअर डिजिट में चले जाओगे 12 से लेके तीन डिजिट पहले चले जाओ ट्वेल्व इलेवन और टेन ओके आपको यही तीन नंबर क्या है आपके काम के ओके और वो कहां से समझ में आएगा आपको इस आर से समझ में आएगा क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द थिंग होती है वो क्या होती है अपने आप कैंसिल आउट हो जाती है तो यहाँ पे आपका सिंपली जो रेस्ट थिंग वो कैंसिल आउट हो गई अब ये जो थ्री और थ्री कॉमन था वो भी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कैसे देखते हो तो देखो सिंपली आपने ट्वेल्व सी थ्री और फिफ्टी टू सी थ्री को डायरेक्टली लिख लिया कितना ट्वेल्व इन टू इलेवन इन टू टेन ट्वेल्व से तीन डिजिट कम में आपको मल्टीप्लाई करना है देन फिफ्टी टू को क्या लिख सकते हैं फिफ्टी टू इन टू फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी ओके okay, अब यहां पे आप डायरेक्टली कैंसिल आउट करो तो इस प्रोसेस से क्या हुआ आपका जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन था वो कैंसिल आउट हुआ ओके okay, अब अब जीरो से जीरो अब से से को कैंसिल कैंसिल किया आपने देखिए हो सकता है कितने जा थ्री, फोर जहां पे कैंसिल करके देखिए थ्री वन जी थ्री सेवन ज्वेंटी वन ओके अब देखिए फोर से कैंसिल करिए फोर वन झा एंड फोर वन झा फोर थ्री थर्टीन मिला अब ऊपर क्या मिला आपको इलेवन मिल रहा है नीचे क्या मिल रहा है सेवेंटीन इंटू फिफ्टीन इंटू फाइव ये मिल रहा है सेवनटीन दिस ओके दिस थिंग ओके अब देखिए इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है देखिए आपका ऑप्शन क्या है आप ऑप्शन से अगर देखो तो यहां पे एक नॉट वाला ऑप्शन दिख रहा है तो देखो यहां पे आप यूनिट डिजिट से जज नहीं कर पाओगे देखो जब आपको ये नॉट वाला क्वेश्चन नहीं रहता है ना तो आप सिंपली यूनिट डिजिट से जज कर लेते हो लेकिन अगर आपको नॉट वाला ऑप्शन मिल गया तो सिंपली सॉल्व करो बेटर है ठीक है ये सेवनटीन है क्लियर तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अब देखिए सेवनटीन फाइव कितना हो जाएगा टेन जो वन 170 होता है तो सेवनटीन फाइव जो मतलब इसका हाफ ओके okay? तो इसका हाफ कितना हो गया आपका सिंपली एट्टी फाइव हो गया अब देखिए 85 को मल्टीप्लाई करना है कितना तो तो आपने और फाइव थ्री से कितना आपको जीरो पे वन कह रही वन वन जीरो फाइव अब वन वन जीरो फाइव कहाँ पे मिल रहा है बस यही मिल रहा है और इलेवन कहा मिल रहा है ये मिल रहा है तो सिंपली आपका आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर थ्री क्लियर तो ये मैं आपको काफ़ी जल्दी करा सकती थी लेकिन मैंने आपको स्ट्रेच किया बिकॉज काफी बच्चे हैं जिनको बेसिक से पढ़ना रहता है जिनको ये सारी चीज़ें भी न्यू रहती हैं ओके तो इसलिए मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया अब मैं डायरेक्टली ये वाले कैलकुलेशन अवॉइड करूंगी ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए If from the pack of 52 52 अब क्या करना है? है है, में से एक एक निकालना है आपको और बोला जा रहा मतलब जो आप निकालोगे ना वो किंग हो या फिर मतलब और की कंडीशन या फिर क्वीन हो इसकी क्या प्रॉबिलिटी है तो देखो सिंपली आप क्या करोगे किंग कितने अवेलेबल होते हैं चार क्वीन कितनी रहती है आपकी चार अब चार में से आपको एक को चूज करना है तो फोर सी वन और और की कंडीशन मतलब क्या होता है प्लस साइन ये आ सकता है या फिर ये अब क्वीन कितनी होती है चार इनमें से भी एक चूज करो 4c1 अब देखो ये तो क्या कहलाया आपका फेवरेबल इवेंट मतलब जो आपको चाहिए टोटल क्या होता है रैंडमली जो मिल जाए आपको अब रैंडमली क्या मिल सकता है 52 में से एक कार्ड आप मिल सकता है ओके अब एक कार्ड कैसे चूज करोगे 52c1 अब देखो 1 1 कॉमन है वैसे भी अगर आप सोचो कि आपका n c 1 है n c 1 की वैल्यू क्या होती है सिंपली n कैसे देखो n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल n 1 से आगे की डिजिट सारी कैंसिल बच रहा है n तो n ओके okay, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n c 1 की ये सिंपली हो जाएगी आपकी 4 यहां भी मिलेगी क्या 4 और नीचे क्या मिल जाएगी आपकी 52 4 प्लस 4 8 से करो. तो आपकी प्रोबेबिलिटी जनरेट कितनी हो रही है टू बाई थर्टीन जनरेट हो रही है ओके अब टू बाई थर्टीन कौन सा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर अब इसके अलावा आप डायरेक्टली बोल सकते थे देखो आपके किंग कितने थे चार किंग होते हैं चार क्वीन होती है एक ही चाहिए आपको एक कार्ड आप निकाल रहे हो तो देखो चूज जब एक करते हो ना डायरेक्टली लिख लिया करो देखो किंग कितने थे चार किंग चाहिए या फिर या की कंडीशन मतलब और की कंडीशन क्या चाहिए क्वीन चाहिए क्वीन भी कितनी होती है चार अब देखो पूरा पैक में से कुछ भी चूज करो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कितने चांसेस हैं सिंपली आपके फिफ्टी टू चांसेस हैं उनमें से कोई भी कार्ड आ सकता है फिफ्टी टू में से एक अगर चूज करना है तो देखो फिफ्टी टू में से एक चूज करोगे तो फिफ्टी टू चांसेस है तो देखो सिंपली सॉल्व कर लो एट बाय फिफ्टी टू सेम आंसर आ रहा है समझ में आया तो ये एन बनाने की जरूरत नहीं थी जब भी आप एक वाले क्वेश्चन चूज करते हो मतलब जब भी आप एक कार्ड निकालते हो समझ में आया अब नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कमेंट करें कि आपको सेशन पसंद आ रहा है पसंद आ रहा है तो वेल एंड गुड अगर नहीं आ रहा है कुछ अगर खामी लग रही है तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए मैं इंप्रूव करने की बिल्कुल ट्राई करूंगी अब देखिए थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द वेल शफल पे अब देखिए सिंपली क्या किया आपने एक पैक लिया किसका कार्ड्स का फिफ्टी टू कार्ड्स थे उनको वेल शफल किया मतलब आप हिंदी में बोलते हो ताश के पत्तों को फेंटना अब नेक्स्ट बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉन अ किंग क्वीन और जैक अब आपको इनमें से क्या करना है किंग क्वीन एंड जैक अब एंड की कंडीशन क्या होती है देखो जब भी आपको एंड मिलता है तो सिंपली क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई और मिलता है तो प्लस अब देखो यहां एंड बोला जा रहा है तो यहां क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई किंग की क्वीन की और जैक की समझो अब देखो आपको यहाँ क्या बोला जा रहा है तीन कार्ड निकालने तीन कार्ड निकालने तो प्रॉपर एनसीआर से करना पड़ेगा एनसीआर ये वाली टेक्निक से क्योंकि जब भी आप चूज करते हो तो एनसीआर से चूज करो बहुत जल्दी आंसर आता है कैसे चूज करोगे कि देखो किंग कितने थे आपके चार किंग क्वीन कितनी थी चार क्वीन और जैक कितने होते हैं चार होते हैं अब वैल्यू क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई करनी है अब मल्टीप्लाई कैसी करनी है सिंपली आपसे बोला जा रहा है ड्रॉइंग अ किंग क्वीन एंड जैक अब तीनों में से आपको एक एक निकालना है एंड मतलब क्या होता है आपको मल्टीप्लाई करना है तो देखो तीनों में से एक निकालना है तो इससे एक निकालोगे फोर सी वन इससे एक निकालोगे तो आपका जो आपको चाहिए उनमें से, उन से कोई भी तीन निकल आएंगे थ्री से तो देखो इसको सिंपली सॉल्व करो अब देखो इसको सिंपली सॉल्व करते हैं एनसी वन एनसी वन की वैल्यू क्या होती है एन होती है तो फोर इन फोर इंटू फोर अब नीचे क्या मिल रहा है फिफ्टी टू सी टू सी थ्री मतलब इसको क्या बोल सकते हो आप फिफ्टी टू से तीन डिजिट कम जाना है मतलब फिफ्टी टू इन फिफ्टी वन इंटू फिफ्टी आप यहाँ पे थ्री का फैक्टोरियल थ्री का फैक्टोरियल सिक्स होता है डिनोमीटर में आएगा इसको ऊपर ही डायरेक्ट लिखो तो इंटू सिक्स हो गया ओके अब इसमें कैंसिल करने की कोशिश करो फोर वन झा फोर बोल सकते हो अब नेक्स्ट क्या है आपका थ्री से कैंसिल होगा थ्री टू एंड थ्री सेवनटीन ओके okay, अब देखिए और क्या कैंसिल हो जाएगा टू वन सा ऊपर क्या मिल रहा है आपको Four okay. Okay. ये क्या मिला, आपको 16 मिला और नीचे कितना निकालोगे सिंपली देखो थर्टीन इंटू थर्टीन कर लो ऐसे लिख सकते हो ना थर्टीन इंटू थर्टीन प्लस फोर ऐसे बोल सकते हो थर्टीन का स्क्वायर पता है कितना होता है वन सिक्सटी नाइन ओके okay, अब इसमें कर दो थर्टीन 13 13 कितना होता है 52 होता है ऐड कर दो फिफ्टी टू और वन सिक्सटी नाइन ये मिला आपको वन इसका कैरी वन तो ये हो गया आपका ट्वेल्व यहाँ वन कैरी तो टू टू वन आपको सिंपली क्या मिला टू टू वन अब टू टू वन को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव से तो सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया टू टू वन को ट्वेंटी फाइव से अब देखो 25 को ब्रेक कर दो 20 प्लस फाइव में तो देखो 221 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा फोर फोर टू हो जाएगा अब 221 टू वन इन ये कितना हो गया आपका 1105 दोनों को ऐड कर दो सिंपली आंसर क्या आ रहा है 5255

अब देखिए इधर की कंडीशन है मतलब ये चाहिए या फिर ये चाहिए दो कार्ड निकाल रहे हो ठीक है दोनों में से रेड की कंडीशन होनी चाहिए रेड कार्ड की या फिर मतलब और की कंडीशन क्या होना चाहिए किंग होना चाहिए दोनों कार्ड किंग होने चाहिए ठीक है तो इसको आप चूज कैसे करते हो सिंपली आपके रेड कार्ड कितने होते हैं छब्बे होते हैं आधे लाल पान के आधे ईट के जिसको आप बोलते हो स्पेड एंड डायमंड स्पेड एंड डायमंड के मिला के कितने होते हैं 26 रेड कार्ड्स ओके अब आपके किंग कितने होते हैं चार होते हैं तो देखो दो दो चूज करने हैं तो 26 c 2 या की कंडीशन मतलब और की कंडीशन मतलब प्लस साइन 4 c 2 ओके अब देखो आपको एक्चुअल कितने करने हैं 52 c 2 और ये हो गया आपके टोटल कार्ड्स अब देखिए यहां पे गलती कहां होती है देखो जब आपने रेड कार्ड चूज और पे पे क्या किया यहां पे किंग चूज किए तो देखो जब आपने रेड कार्ड चूज करे तो उन रेड कार्ड में दो आपने किंग भी तो इन्वॉल्व कर लिए मतलब जो यहां चार किंग थे उनके दो यहां पे भी आ गए और यहां पे भी आपने दोबारा गिन लिए तो दो बार आपने एक्स्ट्रा गिने तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा कैसे माइनस करोगे दो थे दो में से दो चूज करें टू सी टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी वन आ गई अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए देखिए ट्वेंटी क्या बोल सकते हो आप सिंपली ऐसे बोलोगे ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू तो ये क्या हो जाएगा थर्टीन इंटू ट्वेंटी फाइव हो जाएगा इसकी वैल्यू ओके अब इस, अब नेक्स्ट एड क्या होगा फोर सी टू फोर सी टू मतलब फोर इंटू थ्री डिवाइड बाई टू तो यहाँ से मिलेगा आपको टू टू थ्री जिक्स

फिर से कैंसिल होगा देखिए थर्टीन सा और ये कितने जा हो जाएगा ऊपर जा। क्या मिल रहा है आपको 55, नीचे मिल रहा है 17 इंटू 13. 17 इंटू 13, है कितना होता हम दो बार निकाल चुके हैं हमारा आंसर है तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है कैलकुलेशन पे मेनली आपको फोकस करना ही कहा आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो सिंपली जैसे ट्वेंटी फाइव को आप ब्रेक कर लो ओके okay, ऐसे करके आप अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं देखिए टू कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट अब यहां क्या हो रहा है रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा मतलब एक बार आपने अगर एक कार्ड निकाल लिया तो वो क्या हो गया वापस रिप्लेस नहीं होगा वापस आप उसको रखोगे नहीं ओके okay, जब आप वापस नहीं रखते हो तो क्या होता है आपकी जो गड्डी रहती है फिफ्टी टू की उसमें क्या होगा आपने एक कार्ड निकाला तो अब वो गड्डी कितने की बन गई फिफ्टी वन की बन गई समझ में आया तो रिप्लेसमेंट ना होना मतलब सिंपली एक बार आपने कार्ड निकाला तो वो कार्ड वहां से गायब ओके okay, अब बोल रहा है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम आपने दो कार्ड निकाले वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब पहले एक निकालोगे कितने में से फिफ्टी टू में से और फिर क्या करोगे जो बचे हुए फिफ्टी वन है उनमें से एक और निकाल लोगे अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑनर कार्ड एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनरी कार्ड अब ऑनर कार्ड और ऑर्डिनरी कार्ड का सिस्टम समझो देखो ऑनर कार्ड क्या होते हैं आपके इक्का विच मीन एस किंग क्वीन एंड जैक इन चारों क्या बोलते हैं ऑनर कार्ड या फिर ऑर्डिनरी कार्ड या फिर ऑनरी कार्ड और ऑर्डिनरी कार्ड क्या होते हैं जो सिंपली आपके दो से दस तक होते हैं इनको क्या बोलते हैं आप ऑर्डिनरी कार्ड अब दो से दस तक कितने कार्ड आ जाते हैं नौ कार्ड हो गए टोटल तो नौ क्या हो गए आपके एक तरीके के कार्ड तो हो, हो, और कार हो गए ऑर्डिनरी कार्ड तो ऐसे टोटल कितने हो इन टू फोर किया नाइन फोर से कितना हो गया सिंपली थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स क्या होते हैं आपके ऑर्डिनरी कार्ड और आपके ऑनर कार्ड कितने हो गए सिंपली आपके ऑनर्ड कार्ड हो गए फोर फोर से सोलह आपके ऑनर्ड कार्ड हो गए ठीक है अब आपको एक ऑनर कार्ड चाहिए और दूसरा क्या चाहिए ऑर्डिनरी कार्ड सबसे पहले क्या निकालना है ऑनर कार्ड तो देखो कैसे निकालोगे सोलह ऑनर कार्ड थे सोलह में से एक पिक करा सोलह सी वन अब यहाँ एंड की कंडीशन है तो मल्टीप्लाई करोगे अब देखो जब आप ऑनर कार्ड निकाल रहे हो मतलब एक का किंग क्वीन एंड जैक ये निकाल रहे हो आप जब आप ये निकाल रहे हो तो आप ऑर्डिनरी कार्ड को तो कहीं से डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो नहीं कर रहे हो ना तो ऑर्डिनरी कार्ड तो आपके कितने रहेंगे थर्टी सिक्स ही maintain रहेंगे अब इन थर्टी सिक्स में से भी एक निकालो थर्टी सिक्स सी वन समझ में आया अब देखो अब यहाँ पे चेंजेस मेनली कहाँ आएंगे आपके टोटल प्रोबेबिलिटी में चेंज आएंगे मतलब टोटल इवेंट में चेंज आएंगे कैसे आएंगे देखो टोटल इवेंट क्या होगा आपका सबसे पहले आपके फिफ्टी टू कार्ड थे फिफ्टी टू कार्ड में से एक कार्ड निकाल लिया आपने ठीक है अब क्या हुआ आपको एक और कंडीशन चाहिए सी विदाउट रिप्लेसमेंट आपको एक और कार्ड निकालना है तो विदाउट रिप्लेसमेंट एक और कार्ड मतलब कितने बचे कार्ड फिफ्टी वन कार्ड बचे उनमें से एक और निकाल लिया तो टोटल तो प्रोबेबिलिटी आपकी ये जनरेट हो गई ठीक है तो इसको क्या बोलोगे आप फिफ्टी टू सी वन इन टू फिफ्टी वन सी वन समझ में आया अब देखो इसको सिंपली क्या लिख सकते हो सिक्सटीन इसको क्या लिखोगे थर्टी सिक्स अब नीचे क्या मिलेगा फिफ्टी टू इन टू फिफ्टी वन अब सिंपली फोर से कैंसिल करो फोर फोर झा फोर वन जा एंड अगेन नाउ थ्री से थ्री वन जा थ्री टू जा दे थ्री वन जा थ्री सेवन जा क्लियर आप देखे नीचे क्या मिल रहा है आपको थर्टी इंटू सेवनटीन बहुत इजी कैलकुलेशन होती है इसको रटी लो काफी बार आता है ये थर्टी इंटू सेवनटीन कितना होता है टू ट्वेंटी वन

तो यहां पे आपका ऑप्शन करेक्ट क्या आ गया ऑप्शन नंबर फाइव नॉट मतलब नन ऑफ दीस क्लियर अब मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगी डिजिट वाले क्वेश्चन देखिए प्रॉबिलिटी के डिजिट वाले क्वेश्चन कैसे रहते हैं ये भी समझ लीजिए इनको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके बाद हम एंड करेंगे प्रॉबिलिटी क्लियर अगर आपको कोई भी डाउट आता है प्रॉबिलिटी में तो आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने आईडीज दी हैं जिनमें आप अपने डाउट्स कभी भी भेज सकते हो मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम उनका आपको सोल्यूशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन देने का क्लियर तो अब मैं एंड करूंगी अगर आपको पसंद आई हो क्लास और एंजॉय किया हो सेशन तो प्लीज ट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको लगा कैसा ठीक है अब मैं एंड करूंगी थैंक्स फॉर वॉचिंग